ब्रेकिंग खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने कलेक्ट्रेटगंज थाना प्रभारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रामजन गौतम को एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ लिया है। बताया जा रहा है इससे पहले भी थाना प्रभारी के ऊपर पैसे लेने के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल मामले में एंटी करप्शन की टीम पूछताछ कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कानपुर में कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी कलेक्टरगंज रामजन्म गौतम किसी एक व्यक्ति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से यह कार्यवाही की है। उन्हें कोतवाली थाने लाया गया है। वर्तमान में उन्हें पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निलंबित किया जा रहा है और निलंबित करने के बाद उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही तत्काल शुरू की जा रही है।